निरंजन सर, आप बताइए सर, ग्राउंड रिपोर्ट, करंट रिपोर्ट, हाई फ्रिक्वेंसी डेटा, सीमेंट का, स्टील का, लेबर का, लैंड का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, क्या स्लोडाउन दिख रहा है वहाँ पे? डिमांड थोड़ी कम हो रही है या बहुत महंगाई बढ़ रही है, क्या दिख रहा है आपको? दो बातें हैं, एक तो इन्फ्लेशन, स्टील, सीमेंट, जो मटेरियल इनपुट्स है, लेबर इनपुट्स है, उसके कॉस्ट बढ़ गए हैं। तो हमारे इफेक्ट कहाँ आ रहा है? लग्जरी हाउसिंग, मिडिल लेवल हाउसिंग और उसमें नहीं है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में जहां कॉस्ट इनपुट में फर्क आता है वहां डेफिनेटली एक फर्क आ गया है, और जो मार्जिनल प्रोड्यूसर है अफोर्डेबल हाउसिंग के, उनको दिक्कत होती है। दूसरी बात है कि हम घर खरीदते हैं, जो मार्जिनल घर खरीदते हैं उनको ईएमआई में फर्क पड़ गया है। अब देखिए, आपका पहले ईएमआई 15,000 रुपये महीने थे, आज की तारीख में आपको 22,000 रुपया भरना पड़ता है ईएमआई। वो कैसे भरेगा? उनको मार्जिनल जो इफेक्ट आ रहा है वो असीमित है और उनका कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। वो ऐसे नहीं है कि आज वो जाके घर खरीद रहा है, उसने पहले 2 साल पहले घर खरीदा था और आज उसको 15,000 का 22,000 23,000 उनको ईएमआई बढ़ रहा है, और उसको आप और भी बढ़ा देंगे तो उसको बाकी का डिमांड तो कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसको नेगेटिव इफेक्ट किसको आ रहा है? जो मार्जिनल परचेसर ऑफ हाउस है उनको फर्क आ रहा है। अभी जीडीपी जो आप घर के खरीदी देख रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट ईयर इन द लास्ट 15 ईयर्स जो मिडिल इनकम और हायर इनकम की ग्रोथ ज्यादा पेशी पर हो रही है और अफोर्डेबल हाउसिंग की ग्रोथ की रफ्तार कम है। तो ऑफकोर्स अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर इज अ मच बिगर सेक्टर देन द मिडिल एंड हायर इनकम, वो मैं नहीं बात कर रहा, लेकिन जो ग्रोथ रहा है, क्योंकि 50% ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल लिविंग इन झोपड़पट्टीज एंड हाउसेज टू बी कंस्ट्रक्टेड। आज के तारीख में मुंबई जैसे शहर में 50% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, तो इनको घर खरीदना है, तो दे आर ऑल द मार्जिनल प्लेयर्स हु आर सपोज टू बाय द हाउसेज। तो वहां हमें दिक्कत आ रही है कि इफेक्ट ऑफ ऑल इज टेकिंग प्लेस ऑन द लोअर इनकम ऑफ ऑफिस। सो जो जीडीपी ग्रोथ आपने हाउसिंग का जो बताया 7.5% वगैरह जो हुआ है, दैट हैज इंक्रीज्ड मोर नॉट बिकॉज द अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर हैज ग्रोन, इट इज द मिडिल एंड हायर इनकम विच हैज ग्रोन। इसलिए मैं शिकायत कर रहा हूं कि आप जो ब्याज का भाव बढ़ा रहे हैं वो अफोर्डेबल सेक्टर को फर्क पड़ रहा है। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, आप ईएमआई का समय बढ़ा दो लेकिन डोंट इंक्रीज द ईएमआई। जिसने खरीदा है घर उसको ही कैन नॉट सहन इट, इट्स नॉट दैट ही इज बाइंग अ न्यू हाउस। इसलिए हमारी शिकायत यह है कि यू मस्ट टेक केयर ऑफ दिस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सिमिलरली योर दिस 7% ग्रोथ वुड हैव बीन 12% ग्रोथ इफ यू हैड टेकन केयर ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स द होल थिंग। इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि 7-8% ग्रोथ इन हाउसिंग इज गुड, बट आई एम नॉट हैप्पी। I would have seen to it that it is more than double digit growth of housing to be taking place, because we need to provide housing to roti kapda makan to provide karne ki aavashyakta hai. So like you are taking care of food and free food, hum free food nahi mang rahe, hum free ghar nahi mang rahe, but hamari at least affordability aap improve kariye. Either you do it by changing the GST rate, उसको कम कर दीजिए, अथवा आप ईएमआई का इंटरेस्ट रेट कम कर दो, बिकॉज़ आई वांट द अफोर्डेबल सेक्टर टू बी बेनिफिट बाय हाउसिंग। इसलिए सरकार को इसमें क्या करने की आवश्यकता है।